किसान की आर पार की लड़ाई के समर्थन में रोड पर उतरे तमाम विपक्षी दल लगाया मानव श्रृंखला का आयोजन। जमुई जिले के चकाई प्रखंड के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में 65 दिनों से चल रहा है और आज चकिया प्रखंड में तमाम किसानों के समर्थन में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर मानव श्रृंखला शनिवार को निर्धारित समय पर लगाई गई, जिसकी एक झलक चकाई प्रखंड में भी देखने को मिली, जहां भारी संख्या में महागठबंधन कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर किसानों के समर्थन में हुंकार भरते हुए कहा कि कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की आवाज़ स्थित नए कानून लागू हो जाने से दयनीय हो गई है। अगर कानून को नहीं हटाया गया तो भविष्य में किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। किसानों के काले बिल के विरोध में और भारत सरकार के द्वारा जो ये काला कानून बिल लाया गया है उसके खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, किसानों पर गोली चल रही है, किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, किसानों के जमीन को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की तैयारी है और किसान जो अन्नदाता है, जो अन्न खा के आज हम लोग इतने बड़े हुए हैं, पूरा भारत आज किसान जय जवान जय किसान का हम लोग नारा देते हैं, आज उसे किसान के जमीन को पूंजीपति के हाथों में गिरवी रखने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका पूरा विरोध हम लोग अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर, पूरा महागठबंधन के लोग जिसमें कांग्रेस के लोग हैं, कम्युनिस्ट के लोग हैं, सभी लोग आज हम लोग पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं। आज चकाई चौक पर चकाई की पूर्व विधायिका माता श्रीमती सावित्री देवी के नेतृत्व में आज मानव श्रृंखला चकाई चौक पर किया जा रहा है। हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस तरह अंगड़ाई ली है वो अंगड़ाई हम लोग एक एक कार्यकर्ता ले रहे हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक किसानों के हित में ये काला कानून बिल वापस नहीं होगा और किसानों के समर्थन में ये सरकार नहीं चलेगी, तब तक हम लोग सड़क पर इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।